हमारी ब्यूटिशियन कोमल, और आज मैंने इनसे अभी अभी स्मूथनिंग करवाया। आप देख सकते हैं मेरे हेयर्स कैसे आए हैं। से हाय। हाय। तो लुक एट द स्मूथनिंग एंड द शाइन। तो इनका जो सैलून है वो है हमारे पुणे तलेगांव दभाड़े में, बी ग्लैम्स ब्यूटी सैलून के नाम से है। बहुत अच्छी, मेरी फेवरेट है ये। बहुत बार मैंने इनसे करवाया है, मेरा फेशियल या बाकी जो भी मेरा होता है वो सब मैं इनसे ही करवाती हूँ। तो ये स्मूथनिंग और इसका फुल वीडियो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इस पूरे ब्लॉग में। तो देखते रहिए इजी लाइफ विद वर्षा। स्मूथनिंग का जो सबसे पहला प्रोसीजर होता है वो होता है हेयर वॉश। तो आपको अपने घर से हेयर वॉश करके आना होता है नॉर्मल शैम्पू से, उसके बाद यहाँ पर फिर से हेयर वॉश कराया जाता है, बालों को बिल्कुल क्लीन किया जाता है। हेयर वॉश के बाद बालों को अच्छे से सुखाया जाता है। जब बाल अच्छी तरीके से सूख जाते हैं तो बालों को ब्लो ड्राई किया जाता है। इसके बाद आयरनिंग की जाती है। स्मूथनिंग की जो आयरनिंग होती है इसमें बालों को बहुत ज़्यादा खींचा नहीं जाता है, बालों को एक इसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर आयरनिंग नहीं की जाती, स्ट्रेटनिंग नहीं की जाती। इस वजह से बालों का जो लुक होता है ना वो बिल्कुल नेचुरल होता है। स्मूथनिंग जो होता है वो बालों को एक नेचुरल लुक देता है। सेकेंड प्रोसेस जो होता है वो होती है स्मूथनिंग क्रीम। क्योंकि हम यहाँ पे लोरियल स्मूथनिंग की बात कर रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा क्रीम के बारे में बताऊँगी। तो जो पहली क्रीम होती है वो होती है EX1 क्रीम। ये जनरली यूज़ होती है फॉर वीक हेयर्स। अगर आपके बालों में पहले रिबॉन्डिंग हो चुकी है या आपके बालों में कोई केमिकल यूज़ हो चुका है जैसे हेयर कलर एंड ऑल, तो आपको EX1 क्रीम यूज़ करनी होती है। सेकेंड जो क्रीम होती है वो होती है R1 क्रीम। ये जो क्रीम होती है ये यूज़ की जाती है अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, कर्ली हेयर्स हैं, अगर आपके बाल वर्जिन हैं, अगर आपके बालों में किसी तरह का केमिकल पहले यूज़ नहीं हुआ है तो यहाँ पर आपको R1 क्रीम यूज़ की जाती है आपके बालों में स्मूथनिंग के लिए। सो अब बारी आती है क्रीम की। क्रीम लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक बाउल में क्रीम निकाल लेना है। ध्यान रखें कि आप सारी क्रीम एक साथ नहीं निकालना है जितनी आपके बालों में लगनी है, थोड़ी थोड़ी करके निकालनी है और आपके बालों के छोटे छोटे सेक्शंस लेने हैं, फिर उसमें क्रीम अप्लाई करनी है। और ध्यान रखें कि क्रीम जो है वो आपके स्कैल्प पे नहीं लगनी चाहिए, 1 इंच छोड़कर आप बालों में क्रीम अप्लाई कीजिए। साथ ही ये जो क्रीम का टाइमिंग होता है आपको 20 मिनट्स के अंदर अपने पूरे बालों में क्रीम अप्लाई कर लेनी है, क्योंकि इससे ज़्यादा देर होगी तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। तो 20 मिनट के अंदर आप एक टाइमर सेट कर सकते हैं, 20 मिनट के अंदर ही सारी क्रीम जो है वो आपको अपने बालों में अप्लाई करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कॉम्ब करना है और बालों को स्ट्रेट ही छोड़ देना है। ये जो क्रीम होती है ये बालों के बॉन्डिंग को ब्रेक करके न्यू बॉन्ड देती है, यानी कि आपके बालों को जो है वो स्ट्रेट करती है। क्रीम लगाने के बाद आपको 30-40 मिनट वेट करना होता है, डिपेंड्स कि आपके बालों में कितना जल्दी इफ़ेक्ट करती है ये क्रीम। उसके बाद आपको चेक करना होता है कि आपके बालों में इफ़ेक्ट हुआ या नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको एक बाल लेना है और उसको खींचना है। अगर बाल स्प्रिंग जैसे दिख रहे हैं, अगर बाल स्ट्रेट एज इट इज स्ट्रेट हैं, इसका मतलब क्रीम ने अपना काम कर दिया है, अब आपको हेयर वॉश करने की ज़रूरत है। तो हेयर वॉश करने के लिए आप नॉर्मल टैप वाटर से ही हेयर वॉश करेंगे।
और किसी भी तरह का शैम्पू वगैरह नहीं यूज़ करना है, नॉर्मल वाटर से आपको बालों को धो लेना है। हेयर वॉश के बाद अगेन आपके बालों में ब्लो ड्राई किया जाता है, बालों को सुखाया जाता है ड्रायर की हेल्प से। बालों को सुखाने के बाद फिर से एक बार स्ट्रेटनिंग की जाती है स्ट्रेटनर की हेल्प से। तो इस बार जो स्ट्रेटनिंग की जाती है वो स्ट्रेटनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, आपके बालों में 7 से 10 बार स्ट्रेटनिंग की जाती है। बालों को बिल्कुल स्ट्रेट वे में स्ट्रेट करना है, बाल बार बार कॉम्बिंग कर करके स्ट्रेट करना है ताकि आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट रहें। फर्स्ट प्रोसीजर से ही क्रीम के अप्लाई करने के बाद ही आपके बालों में काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाता है, बाल आपके काफ़ी हद तक स्ट्रेट दिखने लग जाते हैं। स्ट्रेटनिंग के बाद अब बारी आती है न्यूट्रलाइज़र की। न्यूट्रलाइज़र जो होता है वो आपके बालों को, जो आपके रिबॉन्डिंग हो चुके बाल होते हैं उनको लॉक कर देता है, जो आपके न्यू बॉन्ड्स होते हैं उनको लॉक कर देता है, बालों को स्ट्रेट रखता है। तो इसको लगाने के बाद आपको 20 से 30 मिनट तक अपने बालों में रखना होता है। न्यूट्रलाइज़र जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा लिक्विड होता है, तो अगर ये आपके बालों में लग भी जाता है, सॉरी जड़ों पे लग जाता है, तो बहुत ज़्यादा हार्म नहीं करता है, लेकिन लगना नहीं चाहिए वैसे तो, पर अगर लग जाता है तो इट इज़ ओके। साथ ही इसको भी आपको छोटे छोटे सेक्शंस लेके ही बालों में अप्लाई करना होता है, जिस तरीके से आपने क्रीम अप्लाई किया हुआ होता है। और इसको अप्लाई करने के बाद आपको बिल्कुल भी हिलना नहीं होता है, बिल्कुल स्ट्रेट वे में बैठना होता है, एज इट इज़ बैठना होता है, आपके बाल बिल्कुल वैसे ही होने चाहिए। न्यूट्रलाइज़र जो होता है वो स्मूदनिंग का मेन प्रोसेस होता है, पूरा स्मूदनिंग इसी पे डिपेंड होता है। तो आपको एज इट इज़ बैठना होता है बिल्कुल स्ट्रेट वे में 20 मिनट्स तक, बिल्कुल भी हिलना नहीं होता है। इसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से फिर से बालों को हेयर वॉश कर लेना है। न्यूट्रलाइज़र के बाद आपका जो स्मूदनिंग का प्रोसीजर होता है वो ऑलमोस्ट डन हो जाता है। इसके बाद एक बार फिर से बालों को ब्लो ड्राई करके बालों में स्ट्रेटनिंग की जाती है। तो बालों में स्ट्रेटनिंग के बाद आपको आपके बाल ऐसे ही 3 डेज तक रखने होते हैं, 3 डेज तक बिल्कुल स्ट्रेट रखना होता है, बालों को टाई नहीं करना होता है, क्लचर वगैरह कुछ भी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है आपको 3 दिन तक। और उसके बाद आपको फिर से हेयर वॉश कराने जाना होता है वापस से पार्लर में। तो यहाँ पे मेरी जो स्मूदनिंग है वो ख़त्म हो चुकी है, डन हो चुकी है, और आप देख सकते हैं मेरे बालों का फाइनल रिज़ल्ट। सो कैसा लगा व्लॉग मुझे कमेंट करके बताइएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।